क्या यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने रूस के आगे घुटने टेक दिए हैं? क्या अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हौसले के आगे हार मान ली है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाइडेन अब पुतिन से बातचीत के लिए तैयार दिख रहे हैं। जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, तब से बाइडेन पुतिन से बातचीत का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है जब उन्होंने रूसी नेता के साथ बातचीत की बात कही है। बाइडेन का ये बयान बताता है कि अब वो रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहते हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में यूक्रेन पर एक संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि अगर पुतिन आक्रमण को खत्म करने के लिए राजी हैं, तो वे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कुछ शर्तें भी रखी हैं। हालांकि बाइडेन ने ये भी साफ कर दिया है कि फिलहाल जब तक यूक्रेन पर हमला जारी है, तब तक वो पुतिन के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे। आपको बता दें कि बाइडेन भले ही पुतिन से बातचीत का विरोध करते रहे हों, लेकिन मैक्रों ने पुतिन के साथ बातचीत के रास्ते खुले रखे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बाइडेन ने कहा कि मैं ये पता लगाने के लिए उनसे बात करने को तैयार हूँ कि अब वह क्या करेंगे। हालांकि बाइडेन ने कहा कि वे केवल अपने नाटो सहयोगियों के सलाह मशवरे से ऐसा करेंगे और ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे यूक्रेन के हितों को नुकसान पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं इसे अपने दम पर नहीं करने जा रहा हूं। इस दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन में आक्रमण और सेना की ओर से वहां किए गए अत्याचारों के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया। राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन की पहली राजकीय यात्रा की मेजबानी कर रहे हैं। यूक्रेन के लिए समर्थन का वादा करने के अलावा दोनों नेताओं ने ओवल ऑफिस वार्ता में कुछ आर्थिक तनाव कम करने के तरीके की मांग की। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने मानवाधिकारों के सम्मान और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चीन के साथ करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए चीन की चुनौती पर चिंताएं भी व्यक्त की हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति बनने के बाद इमैनुअल मैक्रों दूसरी बार अमेरिका की राजकीय यात्रा पर मंगलवार को वॉशिंगटन पहुंचे। वैसे तो दोनों नेता कई बार बैठकें कर चुके हैं, लेकिन ये सबसे लंबा समय था जब दोनों नेताओं ने एक साथ इतना समय बिताया था। इस दौरान बाइडेन और मैक्रों दोनों ने यूक्रेन को लंबे वक्त तक समर्थन देने की बात कही है। बाइडेन ने कहा कि इस युद्ध को समाप्त करने का एक ही तरीका है, वो ये है कि पुतिन यूक्रेन से बाहर निकले, लेकिन ऐसी उनकी कोई इच्छा है ये दिखता नहीं है। वे जो भी कर रहे हैं वो काफी बुरा है। वे लगातार अस्पतालों और मकानों को निशाना बना रहे हैं। ये सबसे बुरा है कि लाखों बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं। मैक्रॉन ने कहा कि वे पुतिन से आक्रमण रोकने की कोशिश करने और परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा के लिए बात करना जारी रखेंगे। बाइडेन के इस बयान पर फिलहाल रूस की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल TV9 भारतवर्ष।